नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शाहकुंड दरोगा विनाश हत्याकांड का फरार वारंटी टोपला यादव सहित 9 अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसएसपी ने कहा पुलिस के लिए बड़ी सफलता। बोलेरो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर में कंप्यूटर शिक्षक की मौत। घटना के बाद सड़क पर हुआ हंगामा। अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से छात्र छात्रा हुए घायल। अस्पताल में चल रहा इलाज। कड़ी सुरक्षा के बीच मैट्रिक की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। ट्रैफिक जाम से बड़ी लोगों की परेशानी। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर पुलिस लगातार अपराध एवं अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार मुहिम चला रही है। इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी कर कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शाहकुंड थाना, बाग थाना, बाईपास टीओपी और सबौर शंकरपुर दियारा में हुए कांडों को लेकर की गई छापेमारी में पुलिस ने 9 अपराधियों की गिरफ्तारी की है। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से पुलिस ने एक मास्केट, एक देसी कट्टा और 5 कारतूस के साथ कई अन्य सामग्रियों को भी बरामद किया है। एसएसपी ने कहा कि पूर्व में शाहकुंड के दरोगा विनाश के मर्डर कांड में संलिप्त अपराधी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि कृष्णा यादव उर्फ अशोक लाल यादव को शाहकुंड थाना क्षेत्र के पचरुकी कॉलोनी रोड से 5 लीटर देसी शराब के साथ शराब के नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 29 जुलाई को मुकेश कुमार उर्फ मुखवा मंडल को टोपला यादव, नीरज कुमार, गौरव कुमार, विनय कुमार और बबलू मंडल ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके अलावा सबौर शंकरपुर दियारा क्षेत्र में महुआ शराब बनाने की भट्टी की सूचना मिली थी, जिसको लेकर छापेमारी कर बाईपास टीओपी समेत 2 जगहों से 3 शराब तस्कर को 450 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। 3 मामले हैं जिसमें कि भागलपुर पुलिस के द्वारा अच्छी सफलता अर्जित की गई है, जिसमें एक मामला है, एक अपराधी है, उसका नाम टोपला यादव, और वो 3 मर्डर के और एक आर्म्स एक्ट के कांड में वांछित रहा है, और अभी भी बात का एक मर्डर केस है जिसमें कि वो अभी भी वांछित है और उसको गिरफ्तार करना बाकी था। यह अपराधी पूर्व में भी शाहकुंड में एक हत्या हुई थी हमारे सब इंस्पेक्टर के अविनाश की, उसमें भी यह मुख्य अभियुक्त रहा है। उसकी गिरफ्तारी कल हुई और वो शराब के कारोबार में लिप्त था। 5 लीटर शराब के साथ वो पकड़ा गया है और उसको हम लोग जेल भेजे। और कुछ बरामद हुई? हाँ, 5 लीटर शराब की बरामदगी हुई है और उसको जिस कांड में वांछित है बात थाना के, उस कांड में भी उसको हम लोग रिमांड करेंगे। कहाँ से इसे लिप्त? ये जॉइंट ऑपरेशन हुआ है, ये बात और शाहकुंड का, और गिरफ्तारी जो है बात शाहकुंड थाना क्षेत्र से हुई है। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शिवनंदनपुर गांव के समीप देवघर मुख्य मार्ग पर बोलेरो और मोटरसाइकिल के भीषण टक्कर में मोटरसाइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि सुल्तानगंज से देवघर की ओर तेज गति से जा रहे तेज रफ्तार बोलेरो ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और सिर में गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान सीतारामपुर गांव निवासी नवीन पोद्दार के 30 वर्षीय पुत्र नितेश कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि नितेश कुमार भिरखुद पंचायत के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय के कंप्यूटर शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। वहीं इसके बाद घटना की जानकारी ग्रामीणों द्वारा परिजन को मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीणों एवं परिजनों के द्वारा बार बार हो रही सड़क दुर्घटना और मुआवजे की मांग को लेकर सड़क को घंटों जाम कर दिया गया। इधर घटना की जानकारी मिलने पर सुल्तानगंज सीओ शंभु शरण रायो थानाध्यक्ष प्रियरंजन दलवल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझा कर मामला शांत कराया। इसको लेकर सीओ शंभु शरण राय ने बताया कि सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है और नियमानुसार सरकार के द्वारा मृतक के आश्रितों को मुआवजा राशि दिया जाएगा। साथ ही कहा कि सड़क दुर्घटना पर लगाम लगाने के लिए ग्रामीणों के द्वारा कुछ मांग रखी गई है, जिसे गंभीरता से लिया जाएगा। वहीं इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया। घटना है, यह स्थानीय टीचर हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, स्पॉट डेथ कर गए हैं। स्थानीय लोगों का डिमांड है कि यहाँ ठोकर बनना चाहिए और यहाँ बराबर एक्सीडेंट होता है,
हम लोग उनको समझा बुझा करके जाम खुलवाने के दिन हैं। उन लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि हम लोग जाम हटा लेते हैं। अच्छा, परिवार वाले को मुआवजे के लिए क्या मुआवजा का जो इसका प्रावधान है, इस जिला परिवहन के द्वारा 5 लाख रुपया का भुगतान किया जाता है, वो सब किया जाएगा। बांका के कटोरिया स्थित मैट्रिक परीक्षा केंद्र पर बाइक से एग्जाम देने जा रहे छात्र और 2 युवक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि छात्रा 2 युवकों के साथ मैट्रिक की परीक्षा देने कटोरिया स्थित सेंटर पर जा रही थी, तभी समुखिया मोड़ के पास तेज रफ्तार से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे वो लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। घायलों की पहचान अमरपुर के राजापुर निवासी अमित कुमार, खुशी कुमारी और अमर कुमार के रूप में हुई है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों द्वारा छात्रा समेत तीनों घायलों को इलाज के लिए आनन-फानन में भागलपुर मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर परिजनों का कहना है कि दुर्घटना में परीक्षार्थी खुशी कुमारी का जबड़ा टूट गया है, जिसके कारण उसे फिलहाल निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जबकि दोनों युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिससे परिजन अनहोनी की आशंका से काफी सहमे हुए हैं। बच्चे जा रहे थे कटोरिया में परीक्षा देने के अपने बहन को, इसी में एक्सीडेंट हुआ, ट्रक से ट्रक के सामने सामने मार दिया। क्या चीज का? मैट्रिक का परीक्षा? मैट्रिक का परीक्षा। अच्छा, कितने लोग जा रहे थे? 3 लोग जा रहे थे, एक उसमें दे के आया था इसलिए उसको मालूम था, इसलिए साथ में जा रहा था। भाई बहन थे? भाई बहन। अभी कहाँ आए? अभी एक को रेफर कर दिया है, खुशी कुमारी जिसका नाम है। हाँ। और एक का पैर में बैंडेज हुआ, एक का भी और होगा। भर्ती है तीनों मायागंज। बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा के दूसरे दिन बुधवार को भागलपुर जिले के सभी 57 परीक्षा केंद्रों पर विज्ञान विषय की परीक्षा हुई। इस दौरान परीक्षार्थियों ने शांतिपूर्ण माहौल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा दी, जबकि अलग अलग केंद्रों पर मजिस्ट्रेट पुलिस बल के साथ कदाचार मुक्त परीक्षा का जायजा लेते रहे। वहीं भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के 41 परीक्षा केंद्रों के अलावा नवगछिया के 9 और कहलगांव के 7 एग्जामिनेशन सेंटर पर बिहार बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा ली गई। पहली पाली की परीक्षा के लिए सुबह से ही परीक्षार्थी सेंटर पर पहुंचने लगे, जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिस की ओर से सुचारू रूप से यातायात संचालन की व्यवस्था की गई, जबकि इसके बावजूद कुछ केंद्रों के आसपास थोड़ी देर के लिए भीड़ की स्थिति बनी, जिससे परीक्षा शुरू होने के बाद ही सामान्य कर लिया गया। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देश पर सभी परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से आधे घंटे पूर्व ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है, जबकि मोबाइल समेत किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और जूता पहन कर आने की सख्त मनाही है। भागलपुर सनहोला थाना क्षेत्र के धनोरी नदी में बेखौफ बालू माफिया ने एक मजदूर पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। इधर घटना के करीब 4 घंटे बाद मिली जानकारी पर पहुंची सनहोला पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। वहीं मृतक के परिजनों द्वारा पुलिस पर मामले को अलग रूप देने का आरोप लगाया गया है, जिसमें परिजनों ने कहा कि पुलिस की संलिप्तता के कारण बालू माफिया बेखौफ है। आक्रोशित लोगों ने कहा कि पुलिस को कई बार फोन कर इसकी जानकारी दी गई, लेकिन बावजूद इसके घटनास्थल तक पहुंचने में पुलिस को करीब 4 घंटे का वक्त लग गया। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर पुलिस ने परिजनों से पंचनामा भी लिखवा कर शव का पोस्टमार्टम भी करा दिया, जबकि मामले की लिपापोती के लिए पुलिस द्वारा कुछ पत्रकारों को भी पैसे देने का आरोप परिजनों ने लगाया है। वहीं थाना प्रभारी राकेश कुमार द्वारा पत्रकारों को पैसा देने का वीडियो भी वायरल हुआ है। हालांकि इस मामले को लेकर किसी भी वरीय पदाधिकारी का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि जिले के वरीय अधिकारी ऐसे पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। 4 दिन पहले एक बतावती हुआ। आज क्या हुआ था? वह बालू भरने का उठा कर ना है जिन टेलर चढ़ा दिया। कब चढ़ा दिया? 5 बजे भोर में। कौन चढ़ा दिया? रंजीत यादव और सरवन यादव। कोई विवाद था पहले से इनके बीच? झगड़ा हुआ है। किस बात को लेकर के? वह गाड़ी आई बेसाई में हमारा कैन भर है 4 बजे भोर। क्या नाम था इनको? फूले सर यादव। आपका क्या नाम है? रोनी देवी। आप कौन है इनको? पतिया। आपका पति है? हाँ। अभी तक पुलिस नहीं आया है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं करा है। कोई सुनवाई नहीं करा। 3 लड़की हमारा जरे बेटा छोटा है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की ओर से 14 प्रखंडों में एडीप व बायोश्री योजना के तहत दिव्यांगों को निशुल्क बैटरी चलित ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, बैसाखी छड़ी, कृत्रिम अंग वितरण के लिए शिविर लगाया जा रहा है। वहीं इसको लेकर नाथनगर प्रखंड के कृषि भवन परिसर में दिव्यांग सशक्तिकरण शिविर लगाया गया, जहाँ काफ़ी संख्या में दिव्यांगजन पहुँचे। हालांकि शिविर में दिव्यांगजनों के बैठने की व्यवस्था नहीं होने से उन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि पीने के पानी
के अलावा व्यवस्था में कई कमियां देखने को मिली। इधर शिविर में दिव्यांगजन सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए सुविधाओं के अभाव में अस्पताल और प्रखंड मुख्यालय भटकते दिखे। ये आधार कार्ड मंगाओ दे दिए, फिर दो बार आया, तीन बार आए इसको काटने के लिए, कागज बनवा के सब से ले रहा है ये सर। हम लोग को भोरे से हम इसके साथ परेशान है, सबका ले रहा है मेरा ने। अभी तक हमको विकलांग वाला पैसा है 70% है, देख लिया जाए सर्टिफिकेट मेरा। आज तक में हमको विकलांग गाड़ी नहीं मिलना है, चलने वाला बैटरी वाला गाड़ी सबको देता है, पैसा वाला को देता है खाली। हम मुँह देखिए कम होता है क्या, क्या है गरीब देखिए तो मेरा नहीं है विकलांग, विकलांग वाला पैसा का हक नहीं है हमको मिलने का। नाथनगर मथुरापुर हटिया की बट्टी वसूलने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना में संजय मंडल का सिर फट गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची नाथनगर पुलिस ने संजय मंडल को इलाज के लिए नाथनगर रेफर अस्पताल में भर्ती कराया। घटना को लेकर संजय ने बताया कि हटिया की बट्टी वसूलने को लेकर प्रवीण कुमार, भास्कर कुमार और रामधीर कुमार समेत कई लोगों ने लाठी से उसकी पिटाई कर दी। इधर मामले को लेकर थानाध्यक्ष खलीक उजमा ने बताया कि घटना में घायल संजय को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, जबकि मामले की छानबीन भी शुरू कर दी गई है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। माजी ने उघार आए थे, ओकरा बाद पुलिस आया, पुलिस ने दो आदमी को उठाया, उठा के ले आया थाना। थाना लाने के बाद फन मारपीट हुआ, वहाँ मारपीट वहाँ पे हुआ, फन हुआ। अच्छा, जम के फन तब यहाँ थाना आए हमसे। अच्छा, हटिया में दोनों पक्षों में मारपीट हो गया। हाँ, क्या चीज से मारा आपको? डंडा लेके। अच्छा, तो किस चीज लेके विवाद हुआ था? हटिया लेके। हटिया लेके, तो बट्टी वसूलने में ना? बट्टी वसूलने में। हाँ, तो उसके बाद जो है क्या किए आप? पैसा भी लिया है वहाँ से। कौन लिया है पैसा? पुलिस ने। झोली ले लिया है, झोले ले लिया है। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में स्नातक पार्थर पॉलिटिकल साइंस के छात्राओं का बुधवार को विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एसएम कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रमन सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कार्यक्रम को लेकर पार्थर की छात्रा ने बताया कि कॉलेज में 3 वर्ष पूरे हो जाने के बाद विदाई समारोह आयोजित कर कॉलेज की सभी छात्राओं के द्वारा सम्मानित किया गया। इधर अपने सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को लेकर छात्राओं ने बताया कि 3 वर्ष का यह सफर उनके लिए काफी अहम और यादगार रहा, जहाँ कॉलेज के शिक्षकों का पूरा सहयोग और प्रेरणा मिली। साथ ही अपने आगे की पढ़ाई और करियर को लेकर छात्राओं ने अपनी बात रखी। समारोह में छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी गई। भागलपुर केनरा बैंक की ओर से एक होटल में मेगा रिटेल एक्सपो और बिल्डर्स मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक अग्रवाल और पूर्णिया क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक बाबुल गायरी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान भागलपुर के कई बिल्डर्स और केनरा बैंक के 4 जिले से आए 22 शाखा प्रबंधक और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहायक महाप्रबंधक ने कहा कि केनरा बैंक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर आवास ऋण, वाहन ऋण, संपत्ति के एवज में ऋण और शिक्षा ऋण जैसे सभी प्रकार के खुदरा ऋण सबसे कम ब्याज पर देती है। वहीं सहायक महाप्रबंधक ने खुदरा ऋण के लाभार्थियों को आवास ऋण और कार्य के लिए 5 करोड़ रुपये ऋण का मंजूरी पत्र भी सौंपा। इसके अलावा भागलपुर के मंडल प्रबंधक प्रमुख अमिताभ रंजन ने कई योजनाओं की कई जानकारियां साझा की। मौके पर भागलपुर, बांका, मुंगेर और खगड़िया के केनरा बैंक के शाखाओं के प्रबंधक मौजूद रहे। वो कंडक्ट किया है इसमें हम लोग सभी बिल्डर या डीलर्स, व्हीकल डीलर्स उन लोग को बुलाया, कस्टमर को भी, और हमारा जो भागलपुर जिले के अंदर या आसपास के जिले के अंदर सभी ब्रांच का ब्रांच हेड को बुलाया है। इसमें हम हमारे पास जितना स्कीम है हाउस अलग अलग तरह का, जिसको हम लोग रिटेल लेंडिंग बोलते हैं, जैसे हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन या पर्सनल लोन या मॉर्गेज लोन, इसके बारे में हम लोग इधर रिटेल एक्सपोर्ट किया है और कुछ लोगों को हम लोग सेंक्शन भी दिया है। आप लोग सेंक्शन आज हम लोग वितरण करेंगे। और हमारा बैंक में जो ये स्कीम हमने बताया, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज है, बहुत कम है और टर्म्स एंड कंडीशन भी बहुत फ्लेक्सिबल है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शाहकुंड दरोगा विनाश हत्याकांड का फरार वारंटी टोपला यादव सहित 9 अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसएसपी ने कहा पुलिस के लिए बड़ी सफलता। बोलेरो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर में कंप्यूटर शिक्षक की मौत, घटना के बाद सड़क पर हुआ हंगामा। अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से छात्र छात्रा हुए घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज।
कड़ी सुरक्षा के बीच मैट्रिक की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, ट्रैफिक जाम से बड़ी लोगों की परेशानी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।